आपने कभी गौर किया है कि भारत में सभी हवाई जहाज़ों के विंग्स और बॉडी पर VT से शुरू होने वाला नाम प्रमुखता से लिखा होता है। भारत के हर हवाई जहाज का नाम VT से ही शुरू होता है, लेकिन ये VT आखिर है क्या? सांसद तरुण विजय ने संसद में इस राज से पर्दा उठाया। ज्यादातर लोगों की तरह हमारे सांसदों को भी या तो इस बात का मतलब पता नहीं था या फिर उन्होंने इस पर कभी गौर नहीं किया था। लेकिन मंगलवार को जब BJP सांसद तरुण विजय ने राज्यसभा में ये मामला उठाया और VT का मतलब सांसदों को बताया तो ज्यादातर सांसदों का सिर शर्म से झुक गया। दरअसल दो अक्षर का ये शब्द बताता है कि किस तरह हम 68 सालों से गुलामी के प्रतीक को ढो रहे हैं और दुनिया को बता भी रहे हैं। VT का मतलब है वायसराय टेरिटरी, यानी वायसराय का इलाका। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हर हवाई जहाज के ऊपर ये प्रमुखता से लिखा होना चाहिए कि वो किस देश का है, यानी उसकी पहचान क्या है। ये रजिस्ट्रेशन कोड 5 अक्षरों का होता है। पहले 2 अक्षर देश का कोड होता है और उसके बाद के अक्षर ये दिखाते हैं कि हवाई जहाज की मालिक कौन सी कंपनी है। देश को कोड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO देती है। वायसराय टेरिटरी VT कोड भारत को 1929 में तब मिला था जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि 87 साल बीत जाने के बाद भी भारत अपनी गुलामी की इस पहचान को बदलने में नाकाम रहा। मंगलवार को जब ये मामला संसद में उठा तो सभी पार्टियों के सांसदों ने सरकार से एक स्वर में मांग की कि इस नाम से जल्दी छुटकारा पाया जाए। मामले को उठाने वाले BJP सांसद तरुण विजय ने कहा कि हैरानी की बात ये है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और फिजी जैसे देशों ने भी अपने देश का कोड बदलकर नया कोड हासिल कर लिया है, लेकिन भारत अभी तक ये करने में नाकाम है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.